पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के उस दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके देश में नई सरकार में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। हालांकि इमरान के इस दावे से सेना नाखुश है। पाकिस्तान की सत्ता से हटाए इमरान खान ने बुधवार को पेशावर में एक रोड शो के दौरान शहबाज शरीफ के नेतृत्व में नई सरकार पर सवाल करते हुए पूछा कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार लुटेरे और चोर के हाथों में सुरक्षित हैं। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को इमरान खान के इन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें देश की परमाणु संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता पर संदेह जताया गया था। गुरुवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान की परमाणु संपत्ति सिर्फ एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। अली में इमरान खान ने कहा था कि वे देश के प्रतिष्ठानों से पूछना चाहते हैं कि क्या साजिश के तहत सत्ता में लाए गए लोग देश के परमाणु कार्यक्रम की रक्षा कर सकते हैं। खान ने कहा, जिस साजिश के तहत इन लोगों को सत्ता में लाया गया, मैं अपने संस्थानों से पूछता हूं, क्या हमारे परमाणु कार्यक्रम जो उनके हाथ में है, क्या वे इसकी रक्षा कर सकते हैं। इमरान ये दावा करते रहे कि उनको कुर्सी से हटाना अमेरिका द्वारा रची गई एक विदेशी साजिश का हिस्सा था। इमरान खान ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पूर्व संध्या पर वह रूस गए थे जिससे अमेरिका नाराज हो गया और इमरान खान को हटाने की मांग की थी ताकि वह पाकिस्तान को माफ कर सके। पेशावर रैली में अमेरिका का नाम लेते हुए इमरान खान ने कहा कि अमेरिका, हमें आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, आप हमें माफ़ करने वाले कौन होते हैं, आप इन गुलामों, इन शरीफों, इन जरदारी के आदि हैं, क्या परमाणु कार्यक्रम इन लुटेरों के हाथ में सुरक्षित हैं जिनका पैसा बाहर है। उन्होंने देश की संस्थाओं को फिर से संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप इन चोरों के हाथ में पाकिस्तानियों की सुरक्षा नहीं सौंप रहे हैं, क्या आपको अल्लाह का डर नहीं है। GK अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।